तो क्या आप लोग भी चाहते हो घर बैठे कुछ पैसे कमाना? तो वीडियो को देखते रहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मित्तल टेक। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जहां पे आप लोग घर बैठे पैसा कमा सकते हो। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, कैसे आप लोग उससे पैसा कमा सकते हो, कैसे आप लोग को इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। अगर आप लोग भी चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज में पैसा कमाना, बिटकॉइन में पैसा कमाना, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। एक एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहां पे देने वाला हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती है और आप लोग इससे अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने पहले के टाइम पे देखा होगा, 2017 के टाइम पे या 2018 के टाइम पे एक क्रेज चला था बिटकॉइन को खरीदने का, क्योंकि बिटकॉइन एकदम से इतना पॉपुलर हो गया था। बिटकॉइन तो काफी टाइम से चला आ रहा है, लेकिन ये बीच में इतना पॉपुलर हो गया था, हर कोई बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा था, हर कोई इसे कमाना चाह रहा था, और यहां तक कि इसके बारे में न्यूज में भी दिखाया जा रहा था, बहुत इसका हल्ला मचा था। तो हर कोई सोच रहा था कि हम लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें, हम लोग लखपति बन जाएं, हम लोग करोड़पति बन जाएं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को कम टाइम में ज्यादा रिटर्न दे सकती है। अगर आप लोग वहीं म्यूचुअल फंड में या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, तो उतना आप लोगों को रिटर्न नहीं मिलता जितना आप लोगों को क्रिप्टो करेंसीज में रिटर्न मिल जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की भी रहता है, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से लीगल नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। लेकिन अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जहां पर रिस्क ज्यादा होता है, वहीं पे रिटर्न भी ज्यादा होता है। तो वैसे ही आज मैं आप लोगों को एक ऐप के बारे में बताने वाला हूं, जहां से आप लोग ये क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन, ये सब खरीद सकते हो। ऐसे तो एक्सचेंजेस आप लोगों को पता होंगे, अगर आप लोग ट्रेडिंग करते होंगे, तो एक्सचेंज काफी टाइम से चले आ रहे हैं। बहुत एक्सचेंज है, इंडिया में भी है, बाहर की कंट्रीज में है, जो ओवरऑल वर्ल्ड चलते हैं वो भी एक्सचेंज है। लेकिन जो एक्सचेंज के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, वो एक्सचेंज मुझे पर्सनली जो है वो काफी अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग फीस नहीं लगती। आप लोगों को 100 रुपए से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, वरना बहुत से एक्सचेंज होते हैं उसमें कुछ मिनिमम लिमिट होती है, मिनिमम कंडीशन होती है कि आप लोगों को इतना डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, और बाकी क्या है कि उन एक्सचेंज में फीस लगती है। जैसे कि अगर आप लोग डिपॉजिट करते हो, अगर आप लोग विड्रॉ करते हो अपने बैंक अकाउंट में, तो किसी में एक्सचेंज में 200 रुपये लगती है, किसी में 300 रुपये लगती है, इवन किसी किसी एक्सचेंज में 400 से 500 रुपये लग जाती है। बट इस ऐप में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी ट्रेडिंग फीस नहीं लगने वाली। तो आप लोग ऐप देख सकते हैं, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये काफ़ी अच्छी ऐप है, काफ़ी ट्रस्टेड ऐप है और काफ़ी पुरानी ऐप है, तो आप लोग इस ऐप पर भरोसा कर सकते हैं। तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूं, तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे ऐप आप लोगों की ऐसे ओपन हो जाएगी। अब ओपन होने के बाद यहां पे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे ही आप लोग इसको प्रोसीड करते हो, तो आप लोगों के पास एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी जैसे आप लोग यहां पे डाल दोगे, तो आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा। लेकिन इसमें आप लोगों को केवाईसी करनी पड़ेगी। आप लोगों को पता होगा, कोई भी एक्सचेंज पे अगर आप लोग अकाउंट बनाते हो, तो वहां पे आप लोगों को केवाईसी करनी पड़ती है, या अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, तो वो भी जैसे आप लोग डीमैट अकाउंट खोलते हो, तो वहां पे भी आप लोगों को केवाईसी करनी पड़ती है। तो केवाईसी करना है, बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब मैं यहां पे अपना नंबर डाल लेता हूं, उसके बाद जो ओटीपी आएगा वो डाल के फिर आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताता हूं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपना नंबर डाल दिया है। नंबर डालने के बाद मुझे यहां पे पिन सेट करना है अपना, तो कोई भी 4 डिजिट का पिन आप लोग सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पे पिन सेट कर लेता हूं। तो मैंने यहां पे पिन सेट कर लिया है। पिन सेट करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो आप लोगों के सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। आप लोगों का फोन किसी के हाथ में लग जाता है, तो वो इजीली आप लोगों का अकाउंट नहीं खोल पाएगा जब तक उसको पिन नहीं पता होगा। तो पिन जो है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। तो वो जैसे मैंने पिन डाला, तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं, सबसे अच्छी बात इस एक्सचेंज में यह है कि यहां पे आप लोगों को साइन अप बोनस भी मिल रहा है और आप लोगों को रेफर बोनस भी मिल रहा है। यानी कि 50 रुपए आप लोग इसमें अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, और 50 रुपए जैसे ही आप लोग किसी को रेफर करते हैं, वो आपके रेफर कोड से डाउनलोड करता है और इंस्टॉल करता है, तो उसको भी 50 रुपए मिल जाएंगे और आप लोगों को भी 50 रुपए मिल जाएंगे। तो ये भी अच्छी बात है इस एक्सचेंज की। और अब आप लोग देख सकते हैं पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज यहां पर दी हुई है। जो सबसे पहली है वो बिटकॉइन है, इथेरियम है, ट्रॉन, रिपल, बाइनेंस कॉइन, तो काफी सारी क्रिप्टो करेंसीज आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी। अराउंड 70+ क्रिप्टो करेंसी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप लोग कोई भी यहाँ पे बाय कर सकते हो। देखिए व्यू ऑल पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सारी क्रिप्टो करेंसीज आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट है, जिसको आप लोगों को लगता है कि मैं ये बाय कर सकता हूँ, इसमें मुझे प्रॉफिट हो सकता है, वाली क्रिप्टो करेंसीज आप लोग यहाँ पे बाय करके रख सकते हो। बाकी इसमें ऐसी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, सिर्फ 100 रुपये से आप लोग शुरुआत कर सकते हो। 100 रुपये आप लोगों को डिपॉजिट करने हैं, उससे आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, और जितना पैसा आप लोगों का बन जाएगा
उतना फिर आप लोग अपने बैंक अकाउंट में उसको विड्रॉ कर सकते हो। ये तो रही की बात की हम लोगों को कैसे क्रिप्टो करेंसीज को, कौन कौन सी लिस्ट है क्रिप्टो करेंसीज की, वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहले केवाईसी करनी पड़ेगी, क्योंकि केवाईसी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप लोगों का अकाउंट जो है वो ट्रस्टेड माना जाता है। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आएगा आप लोग के पास अनलॉक वॉलेट का, अनलॉक वॉलेट पर आप लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए नीचे यहाँ पे अनलॉक वॉलेट पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाओगे, यहाँ पे आप लोग को तीन ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आप लोग को बेसिक वेरिफिकेशन करनी है, बेसिक वेरिफिकेशन में आप लोगों का नाम वाम वो सब आप लोग को डाल देना है। दूसरे में आप लोगों को पैन कार्ड वेरिफिकेशन करना है, जिसमें आप लोगों को पैन कार्ड लगा देना है अपना। और तीसरे में आप लोगों को आइडेंटिटी कार्ड वेरिफिकेशन करना है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, बेसिक वेरिफिकेशन में आप लोगों को यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद आप लोगों को पैन कार्ड वेरिफिकेशन में क्या करना है, आप लोगों को अपना पैन कार्ड लगाना है। पैन कार्ड लगाने के लिए देखिए अभी दूसरा ऑप्शन अनलॉक नहीं हुआ है, जब तक आप लोग पहला ऑप्शन फिल नहीं करेंगे दूसरा अनलॉक नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, फिर यहाँ पे आप लोगों को पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल देनी है और यहाँ पे आप लोगों को फिर तीसरे वाले ऑप्शन में आइडेंटिटी कार्ड इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको डाल के अपना केवाईसी को वेरीफाई कर लेता हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे बेसिक मेरी यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा मेरा पैन कार्ड का है। तो यहाँ पे 34% मेरा कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही आप लोगों का सेकंड वाला ऑप्शन कंप्लीट होगा वैसे आप लोगों का आधा और कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे आप लोग थर्ड वाला कंप्लीट कर लेते हैं टोटल केवाईसी आप लोगों की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने सेकंड वाले ऑप्शन में जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को अपना ओरिजिनल पैन कार्ड लगाना है, मतलब कि उसकी इमेज लगानी है। और कैसे लगानी है यहाँ पे आप लोग को दे रखा है नेक्स्ट में। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे अपनी पैन कार्ड की जो डिटेल है वो डाल देनी है, यहाँ पे जो पैन कार्ड की इमेज है वो यहाँ पे लगा के इसको कंप्लीट कर देना है। जैसे आप लोग का ये कंप्लीट होता है थर्ड ऑप्शन आप लोगों का अनलॉक हो जाएगा, वहां से भी आप लोगों को कंप्लीट करके अपनी केवाईसी बिल्कुल कंप्लीट कर लेनी है। तो जैसे ही ये प्रोसेस आप लोगों का कंप्लीट होता है उसके बाद आप लोगों को अब खरीदनी है क्रिप्टो करेंसी, यानी कि कौन सा कॉइन आप लोग खरीदना चाहते हैं वो आप लोग खरीद सकते हैं। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है बाय बिटकॉइन, समझ लीजिए मैं बिटकॉइन ही खरीदना चाहता हूं तो मैं बाय बिटकॉइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। यहां क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप लोग मिनिमम आप लोगों का लिखा हुआ है 100 रुपए और जो मैक्सिमम लिखा हुआ है वो 2,50,000 जितना लिखा हुआ है वो उस हिसाब से आप लोग खरीद सकते हैं। तो आप लोग को मान लीजिए अगर आप लोग बिगिनर हैं अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पे 100 रुपए से शुरुआत करनी है, तो आप लोग को यहाँ पे अमाउंट डाल देना 100 रुपए। 100 रुपए डालने के बाद आप लोग प्रीव्यू बाय पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे 100 रुपए के अंदर आप लोगों का कितना BTC आएगा, 0.00007542 इतना BTC आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि बिटकॉइन की रेट आप लोगों को पता ही है काफी ज्यादा चल रही है, लाखों में चल रही है, जिसकी वजह से आप लोगों को 100 रुपए का इतने ही बिटकॉइन मिलेंगे। उसके बाद नीचे आप लोग बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहां से आप लोगों को पेमेंट कर देनी है, अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जिससे भी पेमेंट करनी है आप लोगों को पेमेंट कर देनी है और इतना बिटकॉइन आप लोगों के वॉलेट में आ जाएगा। तो जैसे ही आप लोग के बिटकॉइन में यहाँ पे वॉलेट में बिटकॉइन आ जाता है उसके बाद आप लोगों को शो होने लग जाएगा। और उसके बाद आप अगर जैसे कि बिटकॉइन की रेट बढ़ती है, आप लोगों को पता है क्रिप्टो करेंसीज की रेट आगे बढ़ती रहती है, जैसे बिटकॉइन की रेट ऊपर बढ़ती है वैसे ही आप लोगों का जो 100 रुपए आप लोगों ने डिपॉजिट की है वो आप लोगों के 105 रुपए बन जाएंगे, 110 रुपए बन जाएंगे, 120 रुपए बन जाएंगे, ऐसे करके वो इंक्रीज होते रहेंगे। वो डिपेंड करता है कितना मार्केट ऊपर जा रहा है, कितना मार्केट क्रैश कर रहा है, कौन से कॉइन में आप लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना इन्वेस्ट किया है, ये सब उसका फर्क पड़ता है। बाकी आप लोग देख सकते हैं नीचे बिटकॉइन ही नहीं, अगर आप लोग इथेरियम खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से इथेरियम भी खरीद सकते हैं। आप यहाँ पे इसका चार्ट भी देख सकते हैं कि आप लोगों को नीचे देख पा रहे होंगे आप लोग बाय करना है या सेल करना है, बाय करना है तो बाय वाले पे क्लिक कर लीजिए, आप यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए। उसके बाद अगर आप लोगों को सेल करना है, यानी कि अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी इथेरियम पड़े हुए हैं आप लोग उसको सेल करना चाहते हो तो सेल वाले ऑप्शन पे चले जाइए, यहाँ पे कितना इथेरियम आप लोगों को सेल करना है वो आप लोग यहाँ पे डाल देंगे, तो यहाँ पे बाय सेल आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद कितना कॉइन आप लोगों ने बाय किया है, कितना आप लोगों ने सेल किया है, कितना आप लोगों का पोर्टफोलियो है, मतलब कितना अमाउंट का है, वो नीचे आपको पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकेंगे आप लोग कि आप लोगों के पास कितना बिटकॉइन पड़ा हुआ है, उसका इंडियन रुपीज में क्या वैल्यू है, कौन कौन से कॉइन पड़े हुए हैं वो आप लोगों के पास, वो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे लिस्ट में मिल जाएगा। तो आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो पता चल जाएगा, मान लीजिए आप लोगों ने 5 कॉइन में इन्वेस्ट किया तो 5 कॉइन यहाँ पे आप लोग के शो हो जाएंगे और पोर्टफोलियो में 5 कॉइन की कितनी वैल्यू है वो आप लोगों की यहाँ पे लिखी आ जाएगी। और साइड में जो दिख रहा है गेन और लॉस का, वहां पे अगर ग्रीन होता है तो यानी कि आप लोग प्रॉफिट में है, अगर वहां पे रेड होता है तो यानी कि आप लोग लॉस में चल रहे हैं। मान लीजिए अब मैंने 50 रुपए इन्वेस्ट किया और मेरा यहाँ पे 70 रुपए का प्रॉफिट हो गया, मतलब 20 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, तो मेरा यहाँ पे गेन में लिखा आएगा, ग्रीन में लिखा आएगा। उसके बाद अगर मेरा लॉस होता है, मेरे 50 रुपए से कम चले जाते हैं तो यहाँ पे मेरा रेड में दिखा देगा कि आप लोग आपको लॉस हुआ है। बाकी अगर आप लोग इस ऐप से विड्रॉ लेना चाहते हो तो विड्रॉ भी बहुत सिंपल है, आप लोगों को प्रोफाइल वाले सेक्शन में चले जाना है, वहां जाके आप लोगों को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को ऐड कर देना है। जैसे ही आप लोग विड्रॉ लेते हो सारा पैसा जो है वो आप लोगों के बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो यही ऐप थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, इस ऐप के बारे में मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग फीस आप लोगों की नहीं लगती है, ना आप लोगों का डिपॉजिट लगता है, ना आप लोगों का विड्रॉ लगता है, तो काफी अच्छी बात है। अगर आप लोग जैप पे जाते हैं, आप लोग वजीर एक्स पे जाते हैं तो वहां पे अगर आप लोग बाय करते हैं, आप लोग सेल करते हैं, विड्रॉ करते हैं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ता है, लेकिन इस एक्सचेंज में आप लोगों का कोई भी चार्ज नहीं लगता, तो काफी अच्छी चीज है। तो उम्मीद करता हूं सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, डिटेल में मैंने आप
लोगों को बता दिया कैसे इसमें अकाउंट बनाना है, कैसे इसमें केवाईसी करनी है, कैसे आप लोगों को किसी कॉइन को खरीदना है, क्या आप लोगों का पोर्टफोलियो है, कहाँ दिखेगा, कैसे आप लोगों को विड्रॉ करना है, कंप्लीट मैंने आप लोगों को इस वीडियो में समझा दिया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।